हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग रेमेडी, जिसकी हेल्प से आप अपने स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। और गाइस, मानसून का मौसम चल रहा है और इस मौसम में क्या होता है, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली चिपचिपी फील करती है, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, स्किन पर कोई शाइन नहीं होती। अगर जो हमारी स्किन पर जो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, उसकी वजह से हमारी स्किन पर क्या हो जाता है, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने हो जाते हैं। तो अगर आपको भी ये सारी दिक्कत होने लगी है तो आप इस DIY रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, कि हमें इस DIY रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेनी है कॉफ़ी पाउडर। 2 रुपये का कॉफ़ी का पैकेट आपको शैशे कहीं पर भी मिल जाएगा, किसी भी दुकान पर, तो आप उसको ले सकते हैं। तो रेमेडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है, जिसमें आपको कम से कम 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास 2 रुपये वाला ब्रू का पैकेट है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नॉर्मल कॉफ़ी है तो आप उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी ऐड कर लीजिए। कॉफ़ी स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर पाउडर। चीनी को पीस कर आप इजीली शुगर पाउडर बना सकते हैं। 1 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर लीजिए, इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी हो जाएगी। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है 1 टीस्पून व्हीट फ्लार, यानी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्किन से दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर होती है और आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग होती है। अब एक स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर रॉ मिल्क ऐड कर रही हूँ, यानी कच्चा दूध। आपको कच्चा दूध ही लेना है। इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे स्किन वाइट एंड ब्राइट एंड तो होती ही है, साथ ही साथ आपकी स्किन सॉफ्ट स्मूथ भी होती है। अब आप इसमें कम से कम 3 से 4 चम्मच रॉ मिल्क ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप इसमें दही या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर लीजिए। इसको आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इस पैक में कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, बहुत स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाना चाहिए। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मेरा DIY पैक एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए, जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, ताकि आपके फेस पे जो भी डस्ट है, डर्ट है, रिमूव हो जाए। और उसके बाद आपको स्मूथली मसाज करते हुए इस पैक को अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आपको बहुत ही स्मूथली अप्लाई करना है, ज़ोर ज़ोर से अपने फेस को बिल्कुल नहीं रगड़ना है। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही स्मूथली मसाज करते हुए अप्लाई करना है। मसाज करने से क्या होगा कि आपकी स्किन से डेड स्किन रिमूव होगी, साथ ही साथ स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा। तो देखिए, इस तरीके से आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है और उसके बाद इस पैक को आपको सूखने के लिए छोड़ देना है। अगर आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, टैनिंग की दिक्कत होगी, गर्दन पर मैल गंदगी जमा हो गई, तो आप इसे अपनी नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी नज़र आ रहा है इसके पहले ही यूज़ से। तो आप इस DIY रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। इससे आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा। मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करोगे, बट आपको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो वीक में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करें, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके पहले यूज़ से आपकी स्किन पर जो निखार होगा वो देखने लायक होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।